हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। एक बार फिर महंता पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। अकबर और महाराणा प्रताप पर सीएम योगी के बयान से सियासी बहस शुरू हो गई है। अब तक इतिहासकार अकबर को महान बताते आए हैं, अब सीएम योगी ने कहा कि अकबर नहीं महाराणा प्रताप महान थे। अगर इतिहास पर सीएम योगी का राजनीति शास्त्र सही है तो इस ऐतिहासिक भूल का जिम्मेदार कौन है, या फिर ये विवाद ही फिजूल का है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की तुलना अकबर से करते हुए ये कहकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि अकबर की तुलना में महाराणा प्रताप ज्यादा महान शासक थे। सीएम ने कहा कि अकबर सिर्फ यही चाहता था कि महाराणा प्रताप उनको एक बार बादशाह मान ले। उस दौर के कई लोगों ने अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर ऐसा कर भी लिया। इन लोगों ने महाराणा प्रताप को इसके लिए मनाने की कोशिश भी की, लेकिन स्वधर्म और स्वाभिमानी की प्रतिमूर्ति प्रताप ने कहा कि एक विदेशी विधर्मी और तुर्क को मैं जीते जी बादशाह नहीं मान सकता। महाराणा प्रताप के सामने अकबर का केवल एक ही संदेश था कि राणा एक बार केवल हमें बादशाह स्वीकार कर ले, हम उनके मेवाड़ में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न उनसे किसी प्रकार का कोई कर लेंगे, लेकिन केवल एक बार वह अकबर को अपना बादशाह स्वीकार कर लें। उन्होंने इसके लिए अनेक अपने सेनापतियों को भेजा, जिसमें जयपुर के राजा मानसिंह भी थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक स्वर में कह दिया था कि मैं अकबर को बादशाह नहीं मान सकता। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एक पत्रिका के महाराणा प्रताप पर केंद्रित युवा शौर्य विशेषांक का विमोचन करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अकबर ने महाराणा प्रताप से ये कहा था कि वो उनको बादशाह मान ले, इसके बाद वो कभी उनके साम्राज्य मेवाड़ पर दखल नहीं देगा, लेकिन महाराणा प्रताप ने ये कहा कि हम एक विधर्मी और एक विदेशी को अपने शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप ने साबित कर दिया था कि वो वाकई में महान है, न कि अकबर। सीएम ने यह बोलकर एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया, जहां बीजेपी नेता और संत समाज सीएम के बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता अकबर के गुणगान गा रहे हैं। सही थे, सही बोल रहे हैं, वही तो वास्तविक हिस्ट्री है। यह अंग्रेजों ने ये जैसे आर्यन द्रविड़ियन अनेक बकवास भरा हुआ है हमारे इतिहास में। अकबर ने क्या किया है, उसने जितना नरसिंहार उसने किया, औरंगजेब भी उसे थोड़ा ज़्यादा ही किया। औरंगजेब स्पष्ट भाषा में बोलता था, ये गोलमोल भाषा में बोलता था, इतना फर्क था। बट बहादुर था और राणा प्रताप था, उसने घास की रोटी खाना पसंद किया, पर समझौता नहीं करेंगे उसने कह दिया था, और जीते आखिर में। वीर हैं, उनको उनको दिखाना चाहिए। शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, अहोम डायनेस्टी के जो राजाएं थे, विजयनगर में एम्पायर, कटप बम्मन, रानी झांसी, ये बहादुर लोग जी। तो कांग्रेस के लिए अकबर महान है, बीजेपी के लिए महाराणा प्रताप, दोनों ही अपनी अपनी सियासी सहूलियतों के लिहाज से इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर सीएम ने महाराणा प्रताप को महान बताकर कौन सा सियासी निशाना साधा है? क्या सीएम के इस बयान को बेवजह तूल दिया जा रहा है, या वाकई में इस पर बहस होनी चाहिए कि महाराणा प्रताप ज्यादा महान थे या फिर अकबर? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।